फ्रेंड्स माई सेल्फ सुमित, अब हम लोग देखेंगे डीम यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर क्या है। हमने पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। दूसरा वीडियो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये उड़ीसा में लोकेटेड है, जिसकी फीसेस पहले काफ़ी कम थी, लेकिन इस साल काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, इसके फीसेज में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो प्लीज़ पहले वाला फीस एक्सेप्ट करके आप इसका चॉइस फिलिंग नहीं कीजिए, नया फीस स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं। सबसे पहले इसी कॉलेज ने अपना फीस स्ट्रक्चर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। हालांकि एमसीसी पर इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन यह अपने साइट पर अपलोड कर चुका है। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सर्च करेंगे तो आपको यह फीस स्ट्रक्चर ऑप्शन पर आप टिक कीजिए, आपको दिखाई देगा सीधा। नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ ये पेज। तो उसका कोर्स फीस कितना है, एमबीबीएस का कोर्स फीस इसमें दिया है 16 लाख है। पहले कुछ था 13-14 लाख था, उस 16 लाख दिया हुआ है। एनआरआई कोटा के लिए है $15,000 के रूप में है, लेकिन हमारे लिए एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा के लिए 16 लाख रुपए है। इसमें मायने रखता है कि हॉस्टल फीसेस कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हॉस्टल फीसेज होती है, क्योंकि अगर यूपी की बात करें, डीम की बात नहीं करूँगा, प्राइवेट की बात करूँ, अगर यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं आप, तो हॉस्टल फीस ही उसमें ज़्यादा होता है, 3 लाख 4 लाख इस तरह से होता है, जो कि पूरे फीस स्ट्रक्चर को बढ़ा देता है। यूपी का रियल माने तो ट्यूशन फीसेस काफ़ी कम होती है, यूपी की ट्यूशन फीसेस काफ़ी कम होती है, लेकिन उसके हॉस्टल फीसेज ही बढ़ा देती है उसका फीस स्ट्रक्चर, पैकेज बढ़ जाता है। लेकिन ये डीम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख या 1.5 लाख ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर इसका हॉस्टल का नहीं होता है। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल फीस है कितना, 1,40,000 रुपये है पर एनम, और उसका एडमिशन फीस भी लगता है 15,000 रुपये लगता है। केवल एक ही बार लगे, जब एडमिशन करते जाएंगे 15,000 रुपये लगेगा। आप उसको जो भी समझे, एडमिशन फीस समझे, डिपॉजिट समझे, 15,000 रुपये है वो, और 1,40,000 रुपये इसका पर एनम का फीस है। तो मतलब 16 लाख रुपये आपको देना है एनुअली ट्यूशन फीस, और 1,40,000 प्लस 15,000 देना है, और उसके बाद भी 75,000 रुपये आपको देने हैं। किस बात के, ये आपको जैसे एक लैपटॉप मिलेगा, किट, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। एकेडमिक किट्स के लिए लैपटॉप, ब्लेजर, ये सब के लिए, मतलब अपना बजट आप मोटा से मोटा कम से कम 18-18.5 लाख का बना के चलिए, तो आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में मिल सकता है। इसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नहीं आती है, हालाँकि पिछली बार इसका कट ऑफ अप्रॉक्स बात करें, मैंने नेट पे काफ़ी देखा तो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है हर जगह, हर यूट्यूब पर। मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने मुझे बताया 472 पर इसमें एडमिशन हुआ था जनरल के लिए, हालांकि डीम में जनरल मायने नहीं रखता, सबको जनरल ये डीम को, तो 472 बोला गया था। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि इस साल कट ऑफ काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका भी इंक्रीज़ होगा, हो सकता है और होगा भी, लेकिन मैं बोलता हूँ शायद ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि पहले के कंपेयर में फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो लोग बजट देख के उसमें कम चूज़ करेंगे कलिंगा इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज को लेना, क्योंकि इसका फी बढ़ गया है, तो कम मार्क्स में, इतने मार्क्स में और भी कई कॉलेज हैं कम फीस में, तो लोग वहाँ पे प्रेफर करेंगे। जैसे रूरल मेडिकल कॉलेज 14 लाख का ही है, उसमें भी हो सकता है एडमिशन अगर इससे कम मार्क्स पर रहे तब भी, या तो ये जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज बेलगांव वाला, वहाँ भी हो सकता है, तो लोग वहाँ पर प्रेफर करेंगे कलिंगा इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज को छोड़ के। तो इसका कट ऑफ कम हो सकता है, लेकिन वही समझ लीजिए 460 या 480 के बीच में रहेगा। तो कट ऑफ का तो कोई गारंटी दे नहीं सकता, लेकिन आप फीस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए और चॉइस फिलिंग कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए, जो कि हर यूट्यूबर कहते हैं, मैं भी कह देता हूँ। थैंक्स।